पाकुड़ की नैया जो पार लगेगी वो हमारा एक ही मुद्दा होगा, विकास, कल्याणकारी जन उपयोगी योजनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं खास खबर की ओर। झारखंड में चुनावी सियासी पारा लगभग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में है विधानसभा साहिबगंज और पाकुड़ जिला दोनों एक मिला हुआ है, या यूं कहें कि एक ही प्रखंड है। और हमारे साथ बरकतुल्ला खान है, ये साहिबगंज जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हैं। तो टीम ने बात की कि कैसे सियासी नैया को अब ये पाकुड़ में पार लगाने वाले हैं, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में चुनावी सियासी पारा लगभग धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इसी कड़ी में पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में है हम लोग और पाकुड़ विधानसभा साहेबगंज और पाकुड़ जिला दोनों मिलाकर, यूं कहें एक प्रखंड साहेबगंज का, एक प्रखंड पाकुड़ का। और हमारे साथ बरकतुल्ला खान जी हैं, ये साहेबगंज जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हैं। बात करेंगे कैसे सियासी नैया पार लगेगी पाकुड़ में, कैसे सियासी नैया पार लगेगी पाकुड़ में। सर्वप्रथम बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और पाकुड़ की नैया जो पार लगेगी वो हमारा एक ही मुद्दा होगा, विकास। और हमारे नेता जो यहाँ के निवर्तमान मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब ने जो विकास की गंगा इन्होंने सड़क, पानी, बिजली के माध्यम से इन्होंने बहाया है, उसके माध्यम से ही हम लोग यहाँ की नैया को पार करेंगे। और सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी जन उपयोगी योजना है, जो आज बीजेपी की शासन झारखंड में 18 साल रहने के बावजूद भी उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं सोचा। लेकिन पहली बार जब झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी तो इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचा और महिलाओं को बहुत कुछ सारा चीज़ लाभ दिया इन्होंने। जैसे कि 50 वर्ष जो महिलाएं जिनकी उम्र हो गई उनको उन्होंने पेंशन देने का काम किया। अभी आपको मैया सम्मान योजना के तहत 21 वर्ष की महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। फूलों झानों के तहत जो महिलाएं सड़क के किनारे हड़िया दारू पोचे बिक्री करती थी उनको जो है 10,000 का लाभ दे करके उनको जो है ये छोड़ करके अपने सांसारिक जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत करने के लिए उन्होंने दिया। उसके बाद सावित्री बाई फूले के तहत छात्राओं लोगों को 8 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक उन्होंने उनको पेंशन, उनको ये छात्रवृत्ति देने का काम किया। तो ये पहली सरकार एक ऐसी सरकार है जो ये इतनी तरह की महिलाओं को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन्होंने दिया है। ये विकास जो है इतना हुआ है, इसके तहत ही हम लोग जो है ये चुनाव पर जाएंगे और इसकी जगह को पार। लेकिन इनके जो प्रतिद्वंद्वी हैं एक समय में राइट हैंडर है, अब वो कह रहे हैं कुशासन का अंत होने वाला। देखिए कौन क्या, इसके पहले भी तो बहुत हमारे जो प्रतिद्वंद्वी रहे हैं तो वो भी बहुत तरह के बड़े बड़े भाषण दिए हैं, तो उनका असर तो आप लोगों ने देखा कि पिछले दो बार के चुनाव में ये क्या तो आपके साथ थे जी। वो तो आप जान रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी साथी खोलेंगे कह रहे हैं, ठीक है नजदीक आएगा जी तो पोल खुलेंगे, तो वो पोल खुलेंगे तो क्या पोल खुलेंगे, हमने क्या गलत किया जो हमारा, हमने तो सब काज सही किया। पब्लिक जब ये इलेक्शन होगा ना, चुनाव जब होगा तो यहाँ की जनता ही उनके पोल खोल देगी, उनका ही पोल खोल जी। हाँ, आपका नहीं खुलेगा जी, नहीं हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं, जो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो हमारा वो पोल खुलेंगे। कह रहे हम 50,000 से लीड कर रहे, जो व्यक्ति जिनका जो है कोई अस्तित्व भी नहीं है, जो व्यक्ति दूसरे जगह के लाके भाड़ा के लोगों को ले करके वो अपना काम करते हैं और वो बोलते हैं कि हम 50,000 से लीड करेंगे, हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा, कभी भी इलेक्शन में हमारे नेता तो इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम इतना वोट से लीड करेंगे। ये सब एक हवा हवाई है, ये सब जो है एक तरह का जो है वो बस हवा की बात करते हैं, कोई बेसिक चीज़ की बात नहीं करते हैं। कुछ नहीं जी नहीं, कुछ नहीं दिख रहा कि इन्होंने, ठीक है हम चुनाव लड़ेंगे, आप 5 साल तक क्या किए भाई, कहाँ आपने सेवा किया, आप बोलते हैं हम समाज सेवी हैं, बताइए कि कौन जगह जाकर आपने समाज का सेवा किया है, 5 साल का आप रिकॉर्ड बता दीजिए पहले कि आपने क्या सेवा किया है, उसके बाद आप बोलिए कि हाँ हम 50,000 वोट से जीतेंगे। इस बार क्या मुद्दा लगता है आपको, इस बार किस चीज का चुनाव होगा, विकास बनाम, विकास का ही चुनाव होगा, विकास जी हाँ। बरकत खान का कहना है कि इस बार विकास का चुनाव होगा और प्रतिद्वंद्वी ऐसे ही भौंकते रह जाएंगे, उन्हें हासिल कुछ नहीं होना क्योंकि हमारे मंत्री ने, हमारे आलमगीर साहब ने इस क्षेत्र का विकास किया है
इसलिए इस क्षेत्र के लोग उन्हें 24-25 वर्षों से उन्हें पूजते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं और आगे भी विकास करेंगे। हमारे सामने कोई नहीं टिकेगा, सिर्फ विकास टिकेगा। हम विकास की बात करेंगे, वो आरोप की बात करें, लेकिन हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे। हम अभी भी विकास की ही बात करके जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच रहेंगे। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।